नमस्कार, सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमारी प्रश्नावली चल रही थी कक्षा 10 में, अध्याय है 15.3 वृत्त और वृत्त का क्षेत्रफल। तो उसमें हम आगे इसको बढ़ाते हैं। तो 15.3 में जो बात करते हैं, तो आप अपनी किताब खोलो और पहले ही क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर एक है कि 14 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग में, तो आपको एक 14 सेंटीमीटर भुजा एक वर्ग दिया हुआ है। ये वर्ग है, वर्ग किसे कहते हैं? ऐसे चार भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति जिसमें चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो और प्रत्येक कोण कितने का हो, 90 डिग्री का हो, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ग करते हैं। और वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। तो हमें दिया हुआ है वर्ग की भुजा, ये हमें दी हुई है 14 सेंटीमीटर। तो देखो, 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बने अंतवृत्त की परिधि ज्ञात करो। तो अंतवृत्त क्या होता है कि 7 सेंटीमीटर, ये लंबाई 7 है, तो ये 7 सेंटीमीटर ये हुआ, 7 सेंटीमीटर ये हुआ, और इसको इस तरीके से बनाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन गया? अंतवृत्त बन गया। ठीक है, हमें इस अंतवृत्त की क्या करनी है? परिधि ज्ञात करनी है। तो बात आती है अंतवृत्त की परिधि, अंतवृत्त की परिधि। अच्छा, परिधि का क्या सूत्र होता है आपको बताया हुआ है, 2πr। तो 2π का मान होता है 22/7, हमें r का मान निकालना है। अब आप बात बताओ, ये 14 सेंटीमीटर लंबाई है, तो इसका ये जो ये सेंटर है, इसमें से होके जाने वाला ये व्यास कहलाता है। ये व्यास की भी लंबाई कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर ही होगी। और व्यास का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगी? त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्ग में बना अंतवृत्त का व्यास जो है, अंतवृत्त का व्यास है वो वर्ग की भुजा के बराबर होगा। जो व्यास है वो किसके बराबर होगा? वर्ग की भुजा के क्या होगा? बराबर होगा। और वर्ग की भुजा के बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि वृत्त का व्यास वो बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालनी है? त्रिज्या निकालनी है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो तुम्हें पता है कि जो त्रिज्या r होती है वो इसका आधा होती है, और 14 में 2 का भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यहाँ r का मान हम कितना रख देंगे? 7। 7 से 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 2 को 22 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 44। और ये जो परिधि होती है उसकी इकाई जो होती है वो सिंपल होती है, तो इसकी इकाई हो जाएगी cn। यदि हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसकी इकाई होती है वर्ग इकाई, और यदि हम आयतन निकालते हैं तो उसकी इकाई क्या होती है? घन इकाई होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था हमारा। उसके बाद में हम एक क्वेश्चन और बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 5। लगातार सवाल नहीं कराऊंगा मैं आपको, आपको मैं ये जो सवाल है वो वैसे मैं कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन मैं अपने हिसाब से आपको कराऊंगा। हमें क्या करना है? सरल से मुश्किल की ओर चलना है, ताकि इजी क्वेश्चन पहले हो जाए। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, आप किताब में देखो। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है। तो हमें दे रखा है कि जैसे मान लो ये आपके पास एक वृत्त है, और उस वृत्त की आंतरिक त्रिज्या वो मैंने मान ली R1। तो ये इसको आप पार्क मान लो वृत्ताकार, तो हम ये कहेंगे वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या, और वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या R1, R1 का मान कितना दिया हुआ है? R1 का मान दिया 3.5 मीटर, ये R1 का मान है। पार्क के चारों ओर, ये जो पार्क है ना, इस पार्क के चारों ओर ये एक फुटपाथ बना हुआ है। क्या बना हुआ है? फुटपाथ। फुटपाथ क्या होता है? जिस पर पैदल चलते हैं, फुटपाथ बना हुआ है, और उस फुटपाथ की जो चौड़ाई है वो कितनी है? 1.4 है। तो हम कहेंगे कि फुटपाथ की चौड़ाई, तो फुटपाथ की चौड़ाई है उसका मान कितना है? 1.4 मीटर है। फुटपाथ की चौड़ाई कितनी होगी? 1.4 मीटर होगी। तो आप देखो, ये 3.5 है,
और ये बाहरी वृत्त हो गया, देखो ये 3.5 और ये फुटपाथ की चौड़ाई हो जाएगी 1.4, तो ये मिलकर टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, तो हम इसको जोड़ लेंगे। तो हम ये कहेंगे कि फुटपाथ सहित पार्क की त्रिज्या, उसको हम आंतरिक त्रिज्या है उसको हम R2 से लिखेंगे, और जो बाहरी त्रिज्या है उसको हम R1 से लिखेंगे। तो ये R2 हो जाएगा और ये हो जाएगी R1। R1 का मान हो जाएगा 3.5 प्लस 1.4 मीटर, जोड़ो इनको, ये हो जाएगा 9.3 और एक ये हो जाएगा 4। तो बाहरी त्रिज्या कितनी होगी, 4.9। अब इसमें ज्ञात क्या करना है, फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है केवल इस हिस्से का, ये हमारे पास फुटपाथ है और इसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो शुरुआत में हमने 15.1 में बात की थी कि जो सेकेंडरी वृत्त होते हैं उसमें यह वाला एरिया होता है, इसको हम वलयिका बोलते हैं। तो ये जो फुटपाथ है ये वलयिका के क्षेत्रफल के समान होगा, तो हम ये कहेंगे कि जो फुटपाथ का क्षेत्रफल है उसमें वही सूत्र लगेगा जो वलयिका का सूत्र लगता है, और वलयिका का सूत्र क्या होता है, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ये होता है। पाई का मान कितना हो गया, 22/7। R1 का मान कितना है, 4.9 की घात 2 माइनस R2 का मान है 3.5 की घात 2। ठीक है, अब यहाँ पर आपको गुणा नहीं करनी है, यहाँ पर सिंपल तरीका बताता हूँ मैं आपको, बहुत ही सिंपल तरीके से हम सरल कर सकते हैं। 22/7 यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला बन रहा है a² - b² का, ये a हो गया a का स्क्वायर माइनस ये b है b का स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला आता है एक बार तो ये जुड़ जाएंगे और एक बार ये घट जाएंगे, a प्लस b a माइनस b। तो 4.9 में 3.5 एक बार तो ये जुड़ जाएगा और 4.9 में से 3.5 एक बार घट जाएगा, तो 22/7 इनको जोड़ो 9 और 5 14, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 और 3 7 और ये कितना हो गया 8। 4.9 में से 3.5 घटाओगे तो यहाँ पे 4.9 में से 3.5 घटाओगे तो 1.4 ही बचेगा, तो यहाँ जाएगा 1.4। अब इसको सरल करने के लिए पॉइंट के बाद एक अंक है तो 10 का भाग दे देंगे, यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है तो 10 का भाग दे देंगे, 7 का भाग इसमें कितनी बार जाता है, 14 में 2 बार जाता है। इस 2 को हमारे पास ये बच गया 22 × 84 × 2/10 को 10 से गुणा किया 100, 22 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 × 84/100। 84 को आप क्या करो, 44 से गुणा कर दो, यहाँ कर देते हैं तो 4 × 4 कितना हो जाएगा 16, 8 × 8 = 32 और कितना हो जाएगा 133, ठीक है ना। 6 × 3 = 1 ये हो जाएगा 6 × 9 = 4 = 1 कितना हो गया 1496/100। अब नीचे 2 शून्य है तो यहाँ 2 अंक छोड़ कर क्या लगा दो, दशमलव लगा दो, ये मीटर में है सभी इकाइयाँ, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 14.96 वर्ग मीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसको गुणा करते कितना आएगा, 4 × 16 8 × 32 32 और 1 कितना हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 3 कितना आएगा 6 9 6 3 तो ये आ जाएगा 36 96 36 96/100। नीचे कितनी शून्य है, 2 शून्य ना, तो 2 अंक छोड़ के फोन लगा दो, 36.96 वर्ग मीटर ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान से समझ लेना, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलती कर दी थी मल्टीप्लाई में, तो आप ध्यान से इसको देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स है, मल्टीप्लाई करते हैं और है गुणा गलत हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बात है, आंसर आप मिला लेना, इसका उत्तर कितना आएगा 36.96 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, पढ़ो आप किताब में क्या दिया हुआ है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले
एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमें क्या करना है, एक 8 सेंटीमीटर, तो ये देखो इस तरीके से एक मान लो कि ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है, वृत्त की त्रिज्या आर का मान है 8 सेंटीमीटर। इस वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग, तो इसके अंदर हमने क्या किया, एक वर्ग खींच दिया, इस तरीके से खींच दिया ये वर्ग। हमें इस वर्ग का क्या करना है, इस वर्ग को हम नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, और हमें इस वर्ग का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है कितना आएगा। तो देखो हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, हमारे पास वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा। क्या सूत्र होता है, भुजा गुणा भुजा, या हम कह सकते हैं भुजा का स्क्वायर। अब हमें ये दिया हुआ है और हमें ये निकालना वर्ग का क्षेत्रफल, किसका, ए बी सी डी वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला भी बताया आपको क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। इसका मतलब हमें ये इस भुजा की लंबाई चाहिए, एक भुजा की लंबाई आएगी ना तो दूसरे की, तीसरे की, ये तीनों बराबर हो जाएगी, चारों भुजा। ये वृत्त का एक केंद्र, ठीक है, और इसमें से यदि हम इसमें से ये रेखा है और इसमें से ये इस तरीके से करें तो ये लंबाई कितनी है, 8 है, तो ये लंबाई भी कितनी होगी, 8। ये वृत्त का केंद्र हो है, तो ये विकर्ण है, विकर्ण, और ये जो विकर्ण है ये वर्ग के क्या है, ये जो वृत्त है इस वृत्त के केंद्र में से होकर निकलता है, तो ये वाली भुजा 8 है, ये भी 8 है। तो हम ये कह सकते हैं कि वृत्त के अंदर वर्ग ए बी सी डी है, ठीक है। वृत्त के अंदर वर्ग क्या है, ए बी सी डी है, तथा ओ वृत्त का क्या है, ओ वृत्त का केंद्र है। तो देखो हम ये बात कह सकते हैं ना कि ये वाली भुजा 8 है, ये 8 है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एस सी है वो किसके बराबर है, ओ ए प्लस ओ सी के बराबर है, और ओ ए सी का मान है 8 प्लस 8, तो ए सी का मान कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। ये टोटल लंबाई कितनी होगी, 16। यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय में लगाएंगे और इसकी हम एक और भुजा मान लेते हैं कि इस वर्ग की भुजा x, ये x है तो ये भी क्या होगी, x होगी, क्योंकि वर्ग में सब भुजाएं बराबर होती है। तो हम मान लेते हैं कि मानना वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा जो ए बी है वो किसके बराबर है, एक्स सेंटीमीटर के क्या बराबर है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दो आप, तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो बच्चों पाइथागोरस प्रमेय आपको पता ही है कि ये जो 90 डिग्री का कोण होता है ना उसके सामने वाली भुजा तो होती है कर्ण, और उसके अलावा यदि कोण दे रखा है इनमें से कोई सा, यदि कोण दिया तो उसके सामने वाली भुजा होती है लंब, और जो शेष बचती है वो आधार है। तो इसमें कोण तो हमें दिया नहीं हुआ, तो इसमें हम इसको आधार मान लेते हैं, इसको लंब मान लेते हैं। तो हमारी पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर वो बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार ए बी है तो ए बी का स्क्वायर, ये लंब है बी सी तो बी सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। ये वैल्यू एक्स, ये वैल्यू एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर बराबर में यहाँ आ जाएगा, ये टोटल लंबाई ए सी कितनी है, 16, यहाँ निकाली हुई है, तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर जुड़कर कितने हो जाएंगे, 2x² हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2x² बराबर में 16 का स्क्वायर, और 16 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 16 × 16, लिख सकते हैं ना। तो एक्स स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, 16 × 16/2, ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर में। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सरल करेंगे, तो देखो क्या आएगा, आप ये आप ना इसको सरल मत करना, आप इसको इतना ही रख देना ये। अरे एक्स क्या चीज़ माननी थी हमने, ये एक्स हमने क्या माननी थी, ये माननी थी एक्स हमने भुजा। तो ये एक्स की घात 2 का मतलब क्या है, भुजा की घात 2 ही तो है, 16 × 16/2, भुजा की घात 2 ही तो है ना, और भुजा की घात 2 का मान किसके बराबर होता है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, इसको काटो कितना हो जाएगा, 8, तो ये हो जाएगा 16 × 8। 16 को आप क्या करो, 8 से गुणा करो, तो 8 को 6 से गुणा करेंगे 48, और 8 × 4 कितना हो जाएगा, 12 वर्ग, ये लंबाई है सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगी 128 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा।
ठीक है बच्चों, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं हम कंप्लीट इसके क्वेश्चन करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन हमारी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर 3 दे रखा है हमें और एक इस तरीके का डायग्राम है, आप किताब में देखना है, इसमें यहाँ दिया हुआ है और ये कोण कितना है 90 डिग्री और ये जो लंबाई है ये है 3 सेंटीमीटर और यहाँ पर इसको मिला रखा है और ये हो गया छायांकित भाग। ठीक है बच्चों, तो देखो, दी गई आकृति 15.14 में वृत्त का केंद्र ओ है, कोण ए ओ बी 90, ए ओ बी तो हमें दिया हुआ कोण ए ओ बी बराबर में 90 डिग्री, ओ ए की लंबाई दी हुई है 3 सेंटीमीटर, ए ओ बी का मान है 90 और ओ ए इसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, मतलब इसका क्षेत्रफल तुम्हें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं कि ये तो होगी त्रिज्या, ठीक है, और ये वाला कोण हो गया थीटा और ये आकृति किसके जैसी है, ये आकृति वृत्तखंड जैसी आकृति है, तो हमें यहाँ पर लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला लगाना है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और ये जो लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो ही ये क्या है, छायांकित भाग है। ठीक है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब ये कैसे है, ये कहाँ से आया, तो इसके बारे में ना आप पहले इसकी पार्ट 1 वीडियो देखो, ठीक है, इस चैप्टर की, फिर पार्ट 2 देखो। अच्छा, पार्ट 1 वीडियो कैसे पता चलेगी कि कहाँ है सर ने पार्ट 1 वीडियो कहाँ रखी है, तो आप यूट्यूब चैनल पे जाएं, चैनल में जैसे जाएंगे प्ले लिस्ट आएगी, प्ले लिस्ट में आप उस चैप्टर की पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 लगातार मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो अब हम मान रखते हैं, पाई का मान कितना है 22/7 है, आर का मान कितना है 3 है, 3 × 3, थीटा का मान है 90/360 माइनस 1/2 आर का मान है 3 × 3, ये हो जाएगा साइन 90, थीटा का मान कितना है 90। सरल कर लो, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 9 का भाग इसमें 1 बार, इसमें 9 का भाग 4 बार, 4 में 2 का भाग 2 बार और 22 में 2 का भाग कितनी बार जाता है 11 बार, तो हमारे पास आएगा 11 × 3 और 3/7 में है 7 और ये बच गया 2 माइनस 3 × 3 से गुणा किया 9/2 और साइन 90 का मान कितना होता है, तो यहाँ चुंकी करके लिखते हैं कि साइन 90 का मान होता है 1, तो गुणा 1, गुणा करो 11, 3 × 3 से गुणा किया तो हो गया 9 और 9 को आपने 11 से गुणा किया तो ये हो गया 99, 7 को 2 से गुणा करोगे तो 14 माइनस ये हो जाएगा 9/2। अब यहाँ पर आप लघुतम भी ले सकते हो, ठीक है, लघुतम लो तो लघुतम लेके कर लो और यदि सीधा करो तो सीधा कर लेना, तो मैं लघुतम ले लेता हूँ, तो लघुतम कितना आएगा 14 आएगा। लघुतम लेना आता है ना आपको, एलसीएम कैसे लिखते हैं एक बार मैं बता देता हूँ, 2 और 14 को इस तरीके से लिख लो। अब सबसे पहले हमें अभाज्य संख्या 2 का भाग लगाना है, यदि इन दोनों में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है तो ठीक है, यदि किसी में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए ना तो उस संख्या को वैसा का वैसा ही लिखना है। जैसे मान लो 2 का भाग इसमें जा रहा है 1 बार, इसमें 2 का भाग कितनी बार जा रहा है 7 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है क्या इसमें, नहीं, तो फिर हमें 3 का भाग लगा के देखना है, 3 का भाग नहीं जा रहा, फिर हमें 5 का भाग लगा के देखना है, तो 5 का भी नहीं जा रहा, फिर हमें 7 का भाग लगाना है, तो ये 1 है इसको तो छेड़ना ही नहीं है और 7 में 7 का भाग कितनी बार जाता है 1 बार। इधर वाली साइड जो भी संख्या आती है ना उनको गुणा करो, तो 2 को 7 से गुणा करेंगे तो इसका लघुतम कितना आ गया 14। इस 14 में ये जो लघुतम है, इस 14 में इस 14 का भाग 2 एक बार जाएगा, इस ऊपर वाली संख्या को अंश वाली संख्या को 1 से गुणा हो जाएगी तो 99 × 1, फिर माइनस का निशान है माइनस, इस 14 में 2 का भाग 2 कितनी बार जाएगा 7 बार, इसको 7 से गुणा हो जाएगी 9 × 7, सरल कर लो 14, 99 को 1 से गुणा किया 99, 9 को 7 से गुणा किया 9 × 7 = 63। ठीक है, अब क्या करोगे, 99 में से आपको कितने घटाने हैं 63 घटाने हैं, तो 9 में से 3 गए 6, 9 में से 6 गए 3, तो कितना आ गया आपके पास 36 आ गया,
तो यह आएगा 36/14। इसमें देखो दो का भाग 18 बार जाता है, ठीक है, इसमें दो का भाग कितनी बार जाता है, 7 बार। 18 में 7 का भाग दे दो तो 7 × 14, 18 में से 14 गए 4, भाग टूट गया, पॉइंट लग गया, 40 हो गया, 7 × 5 = 35, 5 आएगा 50 हो गया, 7 × 7 = 49, इससे आगे भाग मत करो। तो आपका उत्तर कितना आएगा, 2.57 वर्ग सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारा इसमें उत्तर कितना आ जाएगा, 2.57 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार आप दोबारा इसको करके देख लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम इसका। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 10 है। हमें एक इस तरीके का एक डायग्राम दिया हुआ है और ये बोर्ड परीक्षा में एक बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये इस टाइप का एक क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है P, Q और ये जो दूरी है ये दी हुई है 7 सेंटीमीटर और ये इसका सेंटर है और ये दी हुई है मैं, ठीक है। अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, अर्धवृत्त की त्रिज्या किसके बराबर है, 7 सेंटीमीटर। मतलब ये जो अर्धवृत्त बना है बड़े वाला, ये त्रिज्या यहाँ 7 है तो यहाँ भी कितनी होगी, 7, तो ये भी लंबाई कितनी होगी, 7 होगी। इसका मतलब ये जो अंदर वाला वृत्त है ना, ये वाला, इसका व्यास किसके बराबर है, 7 सेंटीमीटर के बराबर है। अब वो क्या कहता है, अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये जो वृत्त है ना अपने, इसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो ये अर्धवृत्त था तो हम ये कहेंगे कि जो वृत्त का जो व्यास है, ये तो अर्धवृत्त की बात हो रही है बड़े वाले का, और ये पूर्ण वृत्त की बात हो रही है, तो यहाँ पूर्ण लिख सकते हैं अपन। तो जो पूर्ण वृत्त का व्यास है ना, ये वाला पूरा व्यास, ये व्यास इस त्रिज्या के क्या है, बराबर है। तो हम कहेंगे पूर्ण वृत्त का व्यास वो अर्धवृत्त के, अर्धवृत्त की त्रिज्या के क्या होगा, बराबर होगा। देखो सीधी सी बात बताऊँ मैं आपको, ये अर्धवृत्त आपके पास, इसकी त्रिज्या ये 7 है, तो इस बिंदु से जितनी भी त्रिज्याएं जाएगी वो सब की सब क्या होगी, 7-7 होगी। अब हमें क्या कहा है उसने कि ये जो वृत्त है ना, इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका, और वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता ही है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर। पाई का मान तो होता है 22/7, आर का मान इसमें तुम्हें निकालना। अब आप बात बताओ, ये 7 है तो ये भी कितनी होगी, 7 होगी। तो हम ये कह सकते हैं ना कि पूर्ण वृत्त का जो व्यास है ना, वो अर्धवृत्त की त्रिज्या के क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब ये जो वृत्त है ना, इसका व्यास है 7, मतलब ये पूरी लंबाई 7 है, और हमें इसकी चाहिए त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे अतः जो वृत्त है उसका जो व्यास है, वो व्यास तो बराबर है 7 सेंटीमीटर के, तो जो वृत्त की त्रिज्या है, वो त्रिज्या आर है, वो किसके बराबर हो जाएगी, 7 का आधा। आधा का मतलब है उसमें 2 का क्या करो, भाग दे दो। इसका मतलब आर का मान कितना है, 7/2 आया, वो 7/2 मान उसके अंदर रख दो। आर का मान रख दो 7/2, 7/2, 7 से 1 7 क्या हुआ, कैंसिल हुआ। 2 का भाग 22 में कितनी बार जाएगा, 11 बार, तो ऊपर बचा 11 × 7/2। 11 को 7 से गुणा करोगे तो 77/2, और 77 में 2 का भाग यहाँ करके देख लो आप कितना जाएगा, 6 × 1 = 7, 8 × 16 = 1.10, कितना जाएगा, 38.5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 38.5 वर्ग मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। इसके बाद हम एक बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, आप जरा ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बात करते हैं हम, देखो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं पहले। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, AB
व्यास है, तो हमें एक ऐसी आकृति दी हुई है इस तरीके की, इस तरीके की एक आकृति है, उसमें ये ओ एक व्यास है और ये जो ए बी है ना ये इसका व्यास है, ठीक है। और इस तरीके से एक आपको समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ये कोण है 90 डिग्री का, ये बिंदु है सी। तो हमें दिया हुआ है कि एस सी का मान है 6 सेंटीमीटर, बी सी का मान है 8 सेंटीमीटर और तुम्हें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग कौन सा हो गया, ये वाला भाग, ये और फिर ये वाला पूरा, ये पूरा भाग। देखो मैं आपको पहले समझाता हूँ कि हम इसमें करेंगे क्या, ठीक है ना, कि इसमें हम इसको हम किस तरीके से करेंगे। तो आप ध्यान देना कि जैसे मान लो ये वृत्त है, ठीक है, और ये इसका व्यास है, तो आपको एक परमेय कराई होगी कि अर्धवृत्त में जितने भी व्यास बनते हैं, वो जितने भी त्रिभुज बनते हैं अर्धवृत्त में, वो सारे के सारे त्रिभुज क्या होते हैं, समकोण त्रिभुज होते हैं। तो ये कोण वैसे भी क्या है, 90 डिग्री का, और हमें दे भी रखा है ये क्या है, 90 डिग्री का। अब आप बात बताओ कि यदि मैं पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लूँ, पूरे वृत्त का क्या करूँ, एरिया निकाल लूँ, क्षेत्रफल निकाल लूँ, और उस एरिए में से यदि मैं ये छोटे वाला एरिया त्रिभुज, इस त्रिभुज के एरिए को यदि मैं घटा दूँ तो मेरे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब बात आती है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो सिंपल तरीका है, तो आपको एक छोटी क्लास में जब आप पढ़ते थे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बताया था, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, ये तो होगी आधार, आधार आपको दे रखी है, ए सी दे रखी है 6 और ऊंचाई बी सी का मान दे रखा 8, 6 को 8 से गुणा कर देंगे, 1/2 6×8, तो इससे तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान तो 22/7 आपको पता है, लेकिन आर कैसे निकालोगे, तो हम आर क्या होता है, इस व्यास का आधा, इसका मतलब मुझे यदि ये व्यास मिल जाए तो मैं इस व्यास का क्या कर दूंगा, आधा कर दूंगा, और व्यास का आधा किसके बराबर होता है, त्रिज्या के बराबर होता है, और इसमें आर का मान रख दूंगा तो इसका मान आ जाएगा। अच्छा ये लंबाई कैसे निकालें, तो यदि किसी समकोण त्रिभुज में दो लंबाइयां दी गई हो तो तीसरी लंबाई निकालने के लिए हमारे पास एक थ्योरम है, पाइथागोरस प्रमेय। इस पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज नहीं सॉरी, दो भुजा दी हो तो तीसरी भुजा हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम ये सवाल को करेंगे। तो अब हम इसको सवाल को करते हैं, मैंने आपको रूपरेखा बता दी है कि कैसे करेंगे इस सवाल को, इम्पोर्टेंट है सवाल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये लंबाई निकालते हैं, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी में पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसके क्या होता है, बराबर होता है। तो भाई ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये तो कर्ण है, तो कर्ण का मान हो गया ए बी, तो ए बी की घात 2, आधार का मान ले लेते हैं हम एस सी, ए सी की घात 2, और ये हो जाएगी बी सी, बी सी की घात 2, तो एस सी का मान है 6, 6 की घात 2, बी सी का मान है 8, 8 की घात 2, 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 8×2 64, ठीक है, 64 और 36 जुड़ेंगे तो कितना हो गया 100। यहाँ पर ए बी के घात 2 है तो आपको पता ही है कि इधर से घात हटाएंगे 2 तो इसके ऊपर आ जाएगा वर्गमूल, तो ये आ गया वर्गमूल के ऊपर 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये पूरी लंबाई कितनी होगी, ये पूरी लंबाई होगी 10, हमें तो क्या चाहिए, आधी चाहिए, तो हम इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि जो वृत्त का व्यास है वो व्यास बराबर, व्यास जो ए बी है वो ए बी की लंबाई आई 10 सेंटीमीटर, तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो इस वृत्त की त्रिज्या आर का मान हो जाएगा 10/2, और 10 में 2 का भाग लगेगा कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान वृत्त की त्रिज्या आपने निकाली है 5×5, 22, 5 को 5 से गुणा करोगे 25/7, 22 को 25 से आप क्या करो गुणा करो कितना हो जाएगा 055, 550, 550/7, 550 में आप क्या करो 7 का भाग दे दो,
तो एक अंक पे भाग नहीं जा रहा, तो दो अंक ले लो, ठीक है। तो 8 × 7 कितना होता है, 56 होता है, तो ज़्यादा हो गया। तो अपन क्या करेंगे, 7 × 7 49 पे इसका भाग जाएगा, 55 में से 49 गए 6, ऊपर से 0 उतरा 60, ठीक है। फिर जाएगा 8 पे, 8 × 7 56, कितना बचा, 4, भाग टूट गया यहाँ 40, 7 × 5 35, 5 × 50, 7 × 7 49, ये आएगा 78.57 वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका आया, पूरे वृत्त का। अब हम निकालते हैं इसे त्रिभुज का क्षेत्रफल का। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला बताया था, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार तो हो गया ए सी, ऊंचाई होगी बी सी, ए सी गुणा बी सी। तो 1/2, ए सी का मान है 6, बी सी का मान है 8। 2 का भाग 6 में कितनी बार जाता है, 3 बार, और 8 को 3 से गुणा करेंगे, 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास 24। अब हमें क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो ये बराबर में हम लिखेंगे, किसके बराबर में लिखेंगे, जगह कम है तो आपको ऐसे बराबर में लिखना है। मैं यहाँ मिटा देता हूँ इसको थोड़ा, आप ऐसे लिखोगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर में लिखोगे वृत्त का क्षेत्रफल में से घटा दो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब आप बताओ वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया, ये रहा 78.57, और उसका कितना आया 24। 78.57 में से आपको 24 कटाना है, तो ये 7 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 8 में से 4 गए 4, 7 में से 2 गए 5, तो आपके पास ये आ जाएगा 54.57 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है आ जाएगा। तो आज के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और दूसरे स्टूडेंट के साथ आप शेयर करें। धन्यवाद।